नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक रीसेंट न्यूज के बारे में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का जो मन की बात हुआ था, उसमें उन्होंने कहा है मेक इन इंडिया फॉर टॉयज। तो हम लोग आज इसके ऊपर बात करने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था मन की बात में, कम लेट्स प्ले। उन्होंने कहा था कि लेट अस मेक टॉयज इन इंडिया, लेट अस मेक इंडिया आत्मनिर्भर व्हेन इट कम्स टू टॉयज। तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि विश्व का टॉय मार्केट किस तरह का है, विश्व में कितने ज़्यादा खिलौने बिकते हैं, क्या है टॉय मार्केट की वैल्यू, और इस टॉय मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, और अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है टॉय इंडस्ट्री में, टॉय प्रोडक्शन में, सबसे बड़ा चैलेंज किस देश से आ रहा है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। उससे पहले, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल सायगांवकर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन आईडीज पर। साथ ही साथ स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है प्रीलिम्स और मेंस 2021 के लिए अट्रैक्टिव कोर्सेस। प्लीज डाउनलोड दी ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी ने अपने 68th एडिशन जो मंथली एड्रेस करते हैं मन की बात में, उन्होंने कहा है ये कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए। उन्होंने ये कहा है कि लेट अस फोकस ऑन ट्राइंग टू रियलाइज आवर ड्रीम्स बाय फोकसिंग ऑन टॉयज। तो उन्होंने कहा है ये कि लेट अस टीम अप फॉर टॉयज, कम लेट अस प्ले, मतलब मेक इन इंडिया टॉयज, खिलौने बनाने हैं इंडिया में, इंडिया को आत्मनिर्भर करना है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले तो टॉय मार्केट किस तरह का है। अगर आप विश्व के टॉय मार्केट की बात करें तो पिछले 5 सालों में टॉय मार्केट इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। जो प्रोडक्शन वैल्यू है दैट इज बीन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग फ्रॉम $80 billion टू $90.7 billion इन 2019। सो टुडे जो विश्व की टॉय इंडस्ट्री की वैल्यू है वो है $90.7 billion। इसके अलावा जो सबसे बड़ा प्लेयर है, जो सबसे बड़ा खरीददार है, जिसका मार्केट से सबसे बड़ा है, वो है US। इनफैक्ट US और चाइना इसके लिए कॉम्पीट करते हैं। चाइना का भी बहुत ही क्लोज मार्केट शेयर है यहाँ पे। और थर्ड वुड बी इंडिया। इनफैक्ट अगर आप देखो, इंडिया, चाइना एंड USA, दे अकाउंट टू अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड टॉय मार्केट इटसेल्फ। इसके अलावा जो डेवलप कंट्रीज है वो काफी ज्यादा स्पेंडिंग करती हैं टॉयज के ऊपर। जैसे यूरोप में एक चाइल्ड के ऊपर $215 खर्च किए जाते हैं टॉयज के ऊपर। दैट शोज कि पोटेंशियल काफी ज्यादा है टॉय मार्केट में। अगर आप और थोड़ा विश्लेषण करेंगे इसमें, तो आप देखोगे कि सबसे बड़ा मार्केट पूरे विश्व में है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में US और कैनेडा, उसमें भी US इज द लीडर। US इनफैक्ट एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसे मैंने आपको बताया $25 billion का उनका मार्केट का साइज है। क्या US प्रोड्यूस करता है टॉयज? इनफैक्ट 3 ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टॉयज इन द वर्ल्ड आर US कंपनीज। लेकिन US खुद भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। US एक लीडिंग इंपोर्टर है टॉयज का। और ये कहां से करता है? ये टॉयज इंपोर्ट करता है चाइना से। इनफैक्ट अगर आप देखोगे 2018 में $34 billion की अमाउंट की टॉयज US ने इंपोर्ट की थी, विच इज बाई फार द हाइएस्ट सिंस 2011। और इसको सप्लाई कौन कर रहा है? इट इज वेरी ऑब्वियस, चाइना। इनफैक्ट ऑफ ऑल द इंपोर्ट्स दैट हैव कम इनटू चाइना, 80% हैव कम फ्रॉम दैट हैव कम टू US इन 2018, 80% हैव कम फ्रॉम चाइना। तो चाइना इज अ वेरी वेरी बिग प्रोड्यूसर ऑफ टॉयज इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट अगर आप चाइना के बारे में देखोगे, चाइना खुद ही एक लीडिंग एक्सपोर्टर है, ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री का एक लीडिंग एक्सपोर्टर है। उसने 2018 में $43 billion का एक्सपोर्ट किया था, एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस वेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स। इनफैक्ट अगर आप रेवेन्यू देखोगे चाइना का टॉयज और गेम्स, यहां पर मैं टॉयज और गेम्स दोनों को मिलाया हुआ है, उसका रेवेन्यू है $62 billion इस साल का। तो दिस क्लियरली शोज कि चाइना की बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। और चाइना की जो मार्केट की खबर है, चाइना का ये मानना है कि टॉय मार्केट इज अगेन एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ रेट ऑफ 6.1 From 2020 to 2023। तो चलिए जानते हैं कि चाइना टॉय वर्ल्ड का इतना सुपर पावर क्यों है और कैसे बना। सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि चाइना एक प्रोड्यूसर तो है ही, लेकिन चाइना खुद एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर भी है। तो आप देख सकते हो कि चाइना टुडे इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द टॉयज इन द वर्ल्ड। इट इज ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ टॉयज इटसेल्फ। तो उनका खुद का डोमेस्टिक मार्केट भी बहुत ही बड़ा है। पहला तो US है ऑब्वियसली, सेकंड इज चाइना, एंड थर्ड इज इंडिया। तो चाइना का जो डोमेस्टिक मार्केट है उनका खुद का, 2018 में इट वाज $13 billion, और अंदेशा यह है कि 2020 तक उनका $18 billion तक पहुंच चुका है लोकल मार्केट। तो चलिए जानते हैं कि चाइना सुपर पावर इन टर्म्स ऑफ टॉयज कैसे बना। इसके पीछे उनकी जो वन चाइल्ड पॉलिसी है, 1975 में चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लिया, मतलब फैमिली में सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए, ओनली वन चाइल्ड इज अलाउड।
पर कपल. तो दिस वन चाइल्ड पॉलिसी इनफैक्ट कैटलाइज द एंटायर टॉय मार्केट. आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होगा कि चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी लाई, बच्चे तो कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. जैसे ही लिमिटेड नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए तो एक बच्चे पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग होने लगी इन टर्म्स ऑफ टॉयज फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो, फ्रॉम द ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो. तो इसके लिए क्या हुआ कि चाइना का डिमांड खुद ही ग्रो हुआ कंटिन्यूअसली, चाइना का इनोवेशन भी ग्रो हुआ. आप देख सकते हो कि 1970s 80s में चाइना ट्रेडिशनल खिलौने बनाता था जिसमें ज्यादा बैटरीज यूज नहीं होती थी, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज नहीं थे. लेकिन आपके पास पैसा बढ़ रहा है, आपके पास इनकम ज्यादा है, एक बच्चे पे आप बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तो आप टॉयज को भी अपने एक्सपर्टीज में लाओगे, मतलब टॉयज को थोड़ा सा इनोवेटिव बनाओगे. तो चाइना ने शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिक और रिमोट कंट्रोल टॉयज बनाना. सो दिस लेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ह्यूज नंबर्स. इनफैक्ट चाइना की टॉय इंडस्ट्री काफी ज्यादा मेच्योर हो गई, काफी ज्यादा ग्रो हो गई, क्योंकि एक तो उनका आउटसाइड से कॉम्पिटिशन नहीं था, इनसाइड खुद ही बहुत डिमांड है. इससे उन्होंने प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाई और इम्पोर्ट करना भी शुरू कर दिया. साथ ही साथ अगर आप रीसेंट की डेवलपमेंट देखोगे, 2013 में चाइना ने इनफॉर्मली वन चाइल्ड पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया. इनफैक्ट 2016 में जब उनका नया फाइव ईयर प्लान शुरू हुआ वहां पे उन्होंने फॉर्मली कह दिया कि अभी चाइना में टू चाइल्ड पॉलिसी होगी. तो इससे उनका डोमेस्टिक मार्केट और भी बढ़ गया है. एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि टू चाइल्ड पॉलिसी की वजह से कम 2.4 मिलियन न्यू बॉर्न्स होंगे हर साल. तो इससे क्या होगा, और भी डिमांड बढ़ेगी. दिस इज फर्दर गोइंग टू एक्सपैंड देयर मार्केट बेस लोकली. इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन आ गया है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ऑनलाइन सेल आ चुका है, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, चाइना का अलीबाबा है. तो इन सब चीजों की वजह से क्या हो गया, ऑनलाइन सेल्स ऑफ टॉयज हैज आल्सो इंक्रीज्ड अ लॉट इन चाइना एंड एक्सपोर्ट भी काफी ज्यादा हो रहा है. इसीलिए चाइना वॉज एबल टू बिकम सुपर मार्केट. प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, चाइना सबसे पहले तो अपनी खुद की डोमेस्टिक डिमांड की वजह से उन्होंने टॉय इंडस्ट्री बिल्ड की, उन्होंने इतना ज्यादा प्रोड्यूस किया, खुद को तो मिल ही रहा है, उन्होंने एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया. उनका कंपटीशन नहीं था, उन्होंने इनोवेशन लाया, ज्यादा से ज्यादा पैसा आ रहा है इंडस्ट्री में, तो इनोवेशन होगा और बेटर टॉयज आएंगे. अगर आप हाल ही की सिचुएशन देखें कोविड-19 की, तो उसमें भी चाइना का ये कहना है कि इट इज गोइंग टू रिमेन टॉप ग्लोबल टॉय मेकर इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द कोविड-19 पैंडेमिक. दिस इज हाउ स्ट्रॉन्ग द चाइनीज टॉय इंडस्ट्री इज. और इसके कंपैरिजन में जब हम भारत को देखें, भारत का सबसे बड़ा तो टॉय मार्केट देखिए, मतलब टॉय प्रोडक्शन कितना है, ओनली $1.75 बिलियन. इट अमाउंट्स टू अबाउट ओनली 0.8% ऑफ वर्ल्ड टॉय मार्केट. वर्ल्ड टॉय मार्केट हमने देखा कि 90.7 बिलियन है, तो काफी लो हमारी प्रोडक्शन ही है. तो इंडिया में क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बच्चे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में बच्चे खिलौने के साथ नहीं खेलते. तो खिलौने कहाँ से आ रहे हैं, इंडिया में 80% ऑफ टॉयज आर चाइनीज, और जो नॉन ब्रांडेड टॉयज होते हैं 90% आर फ्रॉम चाइना ओनली. मैं गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने घर में बगल में देखोगे, अगर बच्चा खेल रहा है जो उनके पास टॉय है उसके नीचे में देखिएगा, इट इज मेड इन चाइना. 90% ऑफ टॉयज इन इंडिया आर मेड इन चाइना. हम लोग जब दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, कोई त्यौहार मनाते हैं, गणेश चतुर्थी मनाते हैं, दुर्गा फेस्टिवल मनाते हैं, चाइना से आती हैं सारी चीजें. अगर आप दिवाली देखोगे, दिवाली की लाइटें कहाँ से आ रही है, चाइना से आ रही है. जो हमारे होली में रंग आ रहे हैं वो भी चाइना से आ रहे हैं. जो हमारे पास जो गणेश की मूर्ति आ रही है वो भी चाइना से आ रही है. इट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज डेवलपमेंट. तो टॉयज आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम चाइना, विच इज द ह्यूज प्रॉब्लम इन इंडिया. इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता है, इंडिया काफी हद तक प्रोड्यूस करता है, इंडिया हैज कैपेबिलिटीज, बट इट इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस. सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इंडिया में इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है, बहुत बड़ी टॉय फैक्ट्रीज नहीं है. इसके अलावा टॉय इंडस्ट्री में उतना ज्यादा पुश नहीं मिला है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. कॉम्पिटेटिवनेस इज अ बिग प्रॉब्लम. सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में ये है कि हमारा कॉम्पिटिशन चाइना के साथ चल रहा है. जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं टॉयज, जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है हाई एंड टॉयज, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज, बैटरी ऑपरेटेड टॉयज, आजकल आप देख रहे होगी सारे बच्चों के पास न्यू टॉयज आते हैं इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, अगर वो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज एटलीस्ट 30% कॉस्टलियर देन द चाइनीज आइटम दैट कम्स. तो इंडिया में the toy market or the toy production system is still nascent, competitive nahi bana hai, aur China ne flood kar diya Indian market with toys. So this is one of the biggest challenge which is coming in front of the Prime Minister's call. Prime Minister ne bol diya hai, come let us play, let us make toys in India, let us make India truly Atmanirbhar in terms of toys. Lekin क्या ये हो सकता है, क्या हमारी सरकार इसके लिए कुछ कर रही है? सरकार बहुत कुछ कर रही है. हाल ही के बजट में सरकार ने
इंपोर्ट ड्यूटी अनाउंस कर दिए 60%, दिस इज इन एडिशन टू विच वॉज ऑलरेडी देयर। तो अभी एक कम से कम 150% इंपोर्ट ड्यूटी है हाई एंड टॉयज पे जो चाइना से आती है, जो दूसरे देशों से आती है। इसके अलावा सरकार ने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस लाए हैं टेस्टिंग ऑफ इंपोर्टेड टॉयज के लिए। साथ ही साथ सरकार ने हमारे इंडियन टॉयज को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि इंडियन टॉयज फैक्ट्रीज शुड गेट अ BIS सर्टिफिकेशन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेशन। ऑल दो हमारे जो टॉय मेकर्स हैं इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि इट इज लीडिंग टू प्रॉब्लम्स, बट टू बिकम कॉम्पिटिटिव वी हैव टू मेक क्वालिटी टॉयज। साथ ही साथ इंडिया ने ओपन जनरल लाइसेंस भी निकाल दिया टॉय मार्केट पे। तो बहुत सारे स्टेप्स लाए हैं। डिस्पाइट दिस आज भी इंडिया में 90% जो खिलौने आते हैं, हाई एंड खिलौने, नॉन ब्रांडेड खिलौने जो भी आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना। तो सवाल ये उठता है, जो सरकार कर रही है वो इनफ है क्या? अभी तक जो कर रही है वो तो इनफ नहीं है। हमको ये बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि जब ये कॉल आई है प्रधानमंत्री की वो कोविड महामारी के बीच आई है, लॉकडाउन के बीच आई है। लॉकडाउन में पिछले 6 महीनों से हम लोगों ने देखा है कि कंप्लीट ग्लोबल सप्लाई चेन ठप हो चुकी है। तो अभी चाइना का मार्केट भी काफी दिक्कतों से गुजर रहा है। चाइना इज नॉट एबल टू एक्सपोर्ट इट्स टॉयज एनीवेयर, डजंट इट गिव अस एन अपॉर्चुनिटी? तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो टॉय मार्केट है इसको रीइन्वेगोरेट करे, इसको रीवैम्प करे, तभी हम लोग कॉम्पिटिटिव बन सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ग्लोबल सप्लाई चेन शुरू होगी तो फिर से खिलौने बाहर से आना शुरू हो जाएंगे। इन दैट टाइम आर इंडस्ट्रीज हैव टू बिकम मोर एंड मोर कॉम्पिटिटिव। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सरकार द्वारा। ये जो मोदी जी का कॉल था उनकी मन की बात में कि लेट अस मेक टॉयज इन इंडिया, द टाइमिंग इज परफेक्ट। इनफैक्ट कोविड महामारी में एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी है बहुत सी चीजों के लिए, जिसमें टॉय मार्केट भी है। तो जो मोदी जी का कॉल था टीम अप फॉर टॉयज, इट हैज ब्राइट फ्यूचर, लेकिन इसके लिए कंटिन्यूसली गवर्नमेंट का सपोर्ट लगेगा, इसके साथ इंडस्ट्री का सपोर्ट लगेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ मेकिंग आर टॉयज कॉम्पिटिटिव इज वेरी वेरी इंपेरेटिव इन दिस। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। धन्यवाद। जय हिंद।